अब तक आप लोगों ने भरतपुर पुलिस के बारे में सुना होगा कि दो स्थानों पर दबिश दी, 100 आदमियों ने दबिश दी, 4 आरोपियों को पकड़ा, 10 आरोपियों को पकड़ा। लेकिन भरतपुर जिले में इस बार सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 101 टीम का गठन किया गया था, जिसमें 101 अधिकारियों को शामिल करने के साथ साथ उनके नेतृत्व में पुलिस कर्मियों की अलग अलग 101 टीम बनाई गई और वह टीम पूरे जिले में पूरी रात सड़कों पर घूमी और बदमाशों को चिन्हित कर 833 बदमाशों को पुलिस की 101 टीमों के द्वारा पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते बदमाशों में हड़कंप मच गया और बदमाश भूमिगत हो गए। हालांकि पुलिस ने ज्यादातर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनमें हार्डकोर बदमाश हैं, इनामी बदमाश हैं, वांटेड बदमाश हैं, हिस्ट्री सीकर बदमाश हैं, जो पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर सवालिया निशान खड़े करते थे, उनको पुलिस ने करारा जवाब दिया है कि पुलिस जब चाहती है तो कार्रवाई करके, बड़ी कार्रवाई करके अंजाम दे सकती है। पुलिस ने पूरे जिले में इतनी बड़ी कार्रवाई करके यह संदेश दे दिया है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, जो पुलिस का स्लोगन है, उस पर पुलिस सही तरीके से काम कर रही है। भरतपुर SP श्याम सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भरतपुर IG गौरव श्रीवास्तव ने पूरी मॉनिटरिंग की है और पूरे संभाग में इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया है। हालांकि भरतपुर पुलिस ने सबसे बेहतर कार्रवाई करते हुए 101 टीमों के द्वारा 833 आरोपी और बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 576 स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी। मेवात क्षेत्र, जो अपराध की दृष्टि से माना जाता है और जहां ऑनलाइन ठगी जैसे कारोबार बड़े ही व्यापक स्तर पर चल रहे हैं, वहां भी कामा पहाड़ी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कामा थाना पुलिस द्वारा भी बड़ी संख्या में वांछित अपराधी, हिस्ट्री सीटर बदमाश सहित अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 1150 ASP से लेकर कॉन्स्टेबल स्तर तक के पुलिस कर्मचारी इसमें शामिल हुए और यह बड़ी कार्रवाई पूरे जिले में चर्चा का विषय है। पहली बार पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई बदमाशों के प्रति देखी गई है, जहां पुलिस ने बदमाशों को पूरी रात दौड़कर और पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिले में हवालात कम पड़ गई। बदमाशों को हवालात के साथ साथ स्वागत कक्षों में व अन्य जगह पर बैठाया गया। इतनी संख्या में जब बदमाश जिले में गिरफ्तार किए गए हैं तो बदमाशों को बैठाने के लिए हवालात कम पड़ गई। यह एक चर्चा भी आम हो गई है कि बदमाशों को पकड़ने के बाद उन्हें स्वागत कक्ष और अन्य जगह पर बैठाया गया है। हालांकि क्षेत्र में पुलिस के प्रति अलग ही संदेश नजर आ रहा है कि पुलिस जब चाहती है तो अपराध पर पूर्ण अंकुश लग सकता है। भरतपुर SP श्याम सिंह के निर्देश पर की गई जिले में कार्रवाई आमजन में एक चर्चा का विषय है और आमजन पुलिस की कार्रवाइयों को लेकर बेहद ही संतुष्ट नजर आ रहा है।